आम आदमी पार्टी की ओर से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कैप्टन सुनील कुमार को सम्मानित करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पठानकोट के शहीद भगत सिंह चौक के निकट किया गया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक में जाकर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद कार्यक्रम में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कैप्टन सुनील गुप्ता को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सुनील गुप्ता ने कहा कि पार्टी का विस्तार करने हेतु बूथ स्तर पर कमेटियां गठित की जा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा ने लोगों से झूठे वायदे किए, एक भी अपना चुनावी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया कार्य किया है, वहीं पैटर्न सरकार बनने पर पंजाब में लागू किया जाएगा। पठानकोट से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो उन्होंने जिहड़ियां नीतियां ने उन्होंने असी घर घर तक पहुँचाना है। उन्होंने घर घर तक पहुँचाने के लिए असी बूथ लैवल ते कमेटियां फॉर्म करांगे ते पार्टी का विस्तार करांगे। अगे आने वाले इलैक्शन बहुत सारे वार्डों के साडे ऑलरेडी जिहड़े प्रधान नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हां च नहीं ने उन्हां च असी नियुक्त करांगे आते टाइम पर, ते पार्टी नूं जिहड़ी आने वाले इलैक्शन दे विच जित दिलवावांगे। आम आदमी पार्टी किन्हां मुद्दे नूं लैके चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा और सब तो ज़्यादा जिहड़ा नशे का इत्थे कारोबार चल रहा है, नशे दे नाल नौजवान या लिप्त है या वो जिहड़ा अपना विदेशों दे विच पलायन कर रहा है, रोज़गार दे उत्ते जिहड़ा ना जी वो रुजगार ते इलैक्शन लड़िया जाएगा। रुजगार दे नां ते जिहड़ा ना जुमले किए जा रहे हैं, नौजवानों ना मजाक किया जा रहा है, तो इन्हां सारे इलैक्शन इन्हां मुद्दों ते ही चुनाव लड़ा। और साल तो जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने लोगों ने बहुत वादे किए ने, पार्टियां ने लोगों ने बहुत वादे किए ने, वादे वादे ही रह गए ने, पर उन्हां ते कोई काम नहीं होया। हुण लोगों को एक होप मिली है कि केजरीवाल जड़े ने अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र च उन्होंने बहुत वधिया काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र च वर्ल्ड क्लास जड़े हॉस्पिटल बनवाए ने, अपना बिजली पानी ते जन कल्याण योजनावां जड़ियां उत्थे बनाईयां ने, वो पंजाब के लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जड़ी है पंजाब च सत्ता च आए तो वो जड़ियां सुविधावां दिल्ली के लोगों को मिल रही ने, वो सारिया सुविधावान जड़िया ने वो अपने पंजाब के लोगों को भी मिलन, ये साड़ी सोच है। एक बहुत ही अच्छे कप्तान मिले ने सुनील गुप्ता जी, और बड़े सीनियर पार्टी के नाल बहुत पुराने जुड़े हुए है, एक विचारधारा के नाल जुड़े हुए है। और यह जो कार्यक्रम है ये तुसी देखियो आने वाले दिनों दे विच पठानकोट के एक पठानकोट के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर बन जा रही है। थोड़े दिनों के पठानकोट के अंदर बदलाव तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिहड़ियां रवायती पार्टियां जिन्होंने लगभग पिछले 60 साल तो साढ़े पंजाब का नुकसान किया और साढ़े शहर का बेसिकली नुकसान किया, साडा शहर जिहड़ा बहुत पिछड़ गया विकास के पक्षों और जिहड़ा लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन्हां पक्षों, इन्हां लोगों ने जिहड़ा एक कब्जा कर लिया उन्हां तो छुटकारा कराने वास्ते जिहड़ा वो आम आदमी पार्टी जिहड़ी है संघर्ष करेगी और वो नतीजे तुहाडे सामने आने वाले दिनों दे विच सामने आएंगे। और पंजाब की पठानकोट की जनता जिहड़ी वो बिल्कुल तैयार है, पठानकोट की जनता तुसी आम आदमी नूं पुछ के देख लो वो बिल्कुल तैयार ना, वो तीसरा बदल देख रहे हैं, वो एक जरूरत है साडे समाज के अंदर, साडे देश के अंदर, और बड़ी जल्दी जिहड़ा ये बदलाव होने जा रहा है।